वीडियो में जानेंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में। यह जो एनेस्थीसिया असिस्टेंट या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है तो वो कौन बन सकता है, उनका क्या काम रहता है और इसकी पढ़ाई के लिए मतलब उनको क्या कोर्स करना पड़ता है और ये कितने समय का होता है। इस तरह की सर्जरी से पहले मरीज को जो पहले बेहोश किया जाता था ताकि उसे ऑपरेशन के वक्त होने वाले दर्द का एहसास ना हो, अब आधुनिक मेडिकल साइंस में शरीर के खास हिस्से को भी सुन करने का चलन पड़ा है जिसका उपचार सर्जरी के जरिए किया जाना होता है। इस तरह से मरीज को बेहोश या सुन करने के लिए एनेस्थीसिया का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। किस मरीज को उसकी सेहत के अनुसार कितनी कम या ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया का डोज दिया जाए इसका निर्धारण भी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। एनेस्थीसिया डिप्लोमा धारक होते हैं तो उनके द्वारा इन्हीं विशेषज्ञों की सहायता की जाती है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है तो उनका क्या महत्व रहता है, तो सर्जरी अथवा उपचार की जो अन्य स्थितियाँ होती है तो उसमें एनेस्थीसिया का प्रयोग मजबूरीवश किया जाता है। तो सामान्य डॉक्टर या सिर्फ सर्जन होता है तो इसकी मात्रा का निर्धारण नहीं किया जाता बल्कि इसी फील्ड के ट्रेड लोगों द्वारा ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। जरा सी लापरवाही मरीज को कोमा में ले जाने के लिए काफ़ी होती है, इसलिए मेडिकल स्पेशलाइजेशन के इस दौर में एनेस्थीसिया के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति को सर्जरी है उसके दौरान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है तो उनका जो कोर्स होता है तो वो कौन कर सकता है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसके लिए बायोलॉजी या अन्य जो साइंस विषय रहते हैं तो उनके साथ कम से कम 50% अंक 12वीं में लाने वाले युवा इसमें प्रवेश ले सकते हैं। बायोलॉजी फील्ड के होते हैं उनके बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इनमें तीनों में कम से कम 50% अंक होना चाहिए 12वीं क्लास में, तो वो स्टूडेंट इसमें मतलब एडमिशन ले सकते हैं। अधिकांश संस्थाओं द्वारा मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाते हैं। ये कोर्स विशेष तौर पर उन युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी कहा जा सकता है जो अपने भविष्य इसी क्षेत्र में विशेषज्ञ के तौर पर बनाना चाहते हैं। कोर्स के दौरान इस विषय के महत्व और मेडिकल साइंस में इसके विभिन्न प्रकार के उपयोगों से छात्रों को अवगत कराया जाता है। एनेस्थीसिया की अधिकतम कितनी मात्रा किस तरह के रोगियों में दी जानी चाहिए, इससे जुड़े जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं से छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान भलीभांति परिचित कराया जाता है। जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन रहता है तो उनमें जो सिलेबस होता है तो उनमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनेस्थीसिया मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया, रिकॉर्ड कीपिंग इन एनेस्थीसिया, स्टैंडर्ड्स इन एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट आदि फील्ड में एक्सपर्ट द्वारा जानकारी दी जाती है। इस विषय में आगे पढ़ने वाले इच्छुक युवाओं को BSc और उच्च शिक्षा की संभावना देश विदेश में भी हो सकती है, मतलब वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स करके देश विदेश में जॉब कर सकते हैं, विदेशों में भी जा सकते हैं। नौकरियों की बात करें तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े और नामी हॉस्पिटल के अलावा ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए नर्सिंग होम्स, मैटरनिटी होम तथा छोटे बड़े जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं तो उनमें नौकरी की संभावना रहती है। इनकी सेवाएं फ्रीलांस आधार पर कभी कभी हॉस्पिटल द्वारा दी जाती है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में भी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर इनकी फीस का निर्धारण किया जाता है। हायर एजुकेशन के बाद मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग जॉब्स के अवसर मिल सकते हैं। रिसर्च एवं अन्य कार्य क्षेत्र में जहाँ पर ऐसे पारंगत लोगों के करियर संवारने के मौके हो सकते हैं और इनमें कुछ चुनौतियाँ भी रहती है जैसे कि अत्यंत जिम्मेदारी पैसा बड़ा पैसा रहता है, दिन रात कभी भी कॉल पर आना पड़ सकता है और मनाही की गुंजाइश नहीं के बराबर रहती है। जॉब की संख्या बहुत अधिक नहीं है, अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल या मेडिकल संस्थानों में रोजगार। बायोलॉजी और साइंस में दिलचस्पी रखने वाले इस फील्ड में आ सकते हैं। मरीज के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सोच, आपात परिस्थितियों में जान बचाने के लिए तत्परता, टीम वर्क में विश्वास, स्वभाव में लापरवाही का ना होना, सॉफ्ट स्किल में माहिर, तो ऐसे बंदे आकर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और भारत में बात करें तो इसकी जो प्रमुख संस्थाएँ जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स करवाती है तो वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, कोहिनूर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। मध्य प्रदेश में बात करें तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो पहले से चल रहे हैं तो उनमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स करवाया जाता है और ये 2 साल का रहेगा। नामी सर्जन्स और बड़े हॉस्पिटल में व्यक्तिगत संबंध बनाने पर काम मिलने और बेहतर भविष्य बनाने की संभावना अधिक अवसर है। ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्यकुशलता से प्रोफेशनल के तौर पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है। एक सावधानी पूरे करियर को तबाह करने के लिए काफ़ी हो सकता है।
इसके पीछे कई कारण हैं। इस प्रोफेशनल से मरीज के जीवन मरण का संबंध होता है, तो इसलिए ये बहुत ही रिस्की वाला कोर्स रहता है। और इसको करने के लिए बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स है, इन तीनों सब्जेक्ट में 50% का आपको मार्क्स होने चाहिए, तो आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अगर जॉब आपकी लगती है तो 25 से 30 हज़ार रुपये शुरू में आपकी महीने की सैलरी रहेगी।